हेलो एवरीवन वेलकम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी मंजी सिस्टम तो ये जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द डेवलपमेंट ऑफ गुरु अमरदास जी जो कि थर्ड सिख गुरु थे तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो मेरी सलाह यही होगी कि पहले आप वो टॉपिक देख लीजिए जिससे कि आपको ये वाली टॉपिक को और अच्छे से समझने में आसानी होगी सो so ये उसका ही कंटिन्यूएशन है क्योंकि जो मंजी सिस्टम है वो थर्ड सिख गुरु गुरु अमरदास जी ने शुरू किया था और Uh, देखिए uh, चलिए इसके बारे में तो हम अभी आगे बात करेंगे बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं सो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि जब आप वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोज़ बनाती रहूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई डेटा जो मैंने देखा है एट्टी ऑफ द पीपल हु वॉच माई वीडियोज़ दे डू नॉट सब्सक्राइब सो अगेन इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी आप देखे वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ठीक है तो चलिए अभी हम जल्दी से बात करते हैं मंजी सिस्टम के बारे में तो मंजी सिस्टम है क्या तो आपको ये दिख रहा है इसको मंजी कहते हैं एक वुडन कोर्ट है और वहीं से इसका नाम आता है मंजी सिस्टम तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या ज़रूरत थी मंजी सिस्टम को शुरू करने की सो तो देखिए आपको मालूम है सिक्सटीन सेंचुरी तक आते आते इस समय तक आते आते जो सिखिज्म है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था उनके फॉलोअर्स बढ़ चुके थे उनके डिसाइपल्स बढ़ चुके थे और वो दूरदराज के इलाकों तक पहुंच चुका था अब क्योंकि गुरु अमरदास जी की उम्र भी ज्यादा थी और क्योंकि वो इतना बढ़ चुका था तो उनके लिए बहुत मुश्किल था हर जगह पे जाना तो इसी वजह से यहां पे एक नीड so, अमरदास जी थे लॉजिकल एंड वेल प्लान मेथड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन और इस जो वेल well प्लान मेथड है एडमिनिस्ट्रेशन का उसके तहत ही मंजिल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है ठीक है सो आप देखेंगे इसमें जैसा कि मैंने बताया कि गुरु अमरदास जी हर जगह जाना उनके लिए मुश्किल था और ऊपर से क्योंकि वो गोइंदवाल में थे तो दूर दूर से उनको लोग विजिट भी करने आते थे जो सिख फॉलोवर्स हैं उनसे मिलने भी आते थे तो इसलिए उनका हर जगह जाना जो है पॉसिबल नहीं था तो वहाँ पे एक सल्यूशन को लेकर आते हैं ये और ये जो मंजिल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि होता क्या है कि ये पूरे एरिया को ट्वेंटी टू मंजिज़ में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ पे जो एक डिज़र्विंग रिप्रेजेंटेटिव है गुरु का उसको बिठाया जाता है और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है चलिए अब हम आगे देखते हैं एक तो हमने बोला कि गुरु जी की उम्र कम थी ठीक है तो उसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे थे और उनका वहाँ पे गोइंदवाल में रहना भी ज़रूरी था तो अब हम देखेंगे कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव मंजी के को पे पे बिठाया जाता है उसका दो काम था तो दो मेन पर्पज़ क्या था एक तो प्रीच करना टू द संगत तो जो भी डिवोटीज आ रहे हैं संगत में कॉन्ग्रीगेशन में जो भी लोग आ रहे हैं उनको सिख धर्म से रिलेटेड जो टीचिंग्स है उसको बताना उनको प्रोपोगेट करना और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था कलेक्शन ऑफ ऑफरिंग्स ठीक है दसवंध को कलेक्ट करना मतलब अपनी सैलरी का जो दसवा हिस्सा है तो ये जितने भी सुख सिख हैं जिन्होंने सिख धर्म को अपनाया हैं उनके लिए मैंडेटरी था कि वो दस हिस्से को खैर मसन सिस्टम के अंडर तो बिल्कुल ये सिस्टम को स्टैब्लिश ही कर दिया जाता है बट यहाँ पे ये था कि दसवंत कलेक्ट किया जाता था जो भी डिवोटी आ रहे हैं वो वहाँ पे संगत में वो कंट्रीब्यूशन देंगे और फिर वो जो ऑफरिंग है वो जो है अल्टीमेटली जो है गोइंदवाल बैसाखी वाले दिन या सेलिब्रेशन वाले दिन जो है गोइंदवाल में लाई जाएगी और उसको गुरु के गुल्लक में डिपॉजिट करा दिया जाएगा और उस जो भी ऑफरिंग आती थी, थी उससे होता क्या था कि जो भी सिखिज़्म से रिलेटेड काम है क्योंकि जैसे देखिए अब धर्म बढ़ रहा है स्प्रेड कर रहा है ठीक है ग्रो कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि पैसे की ज़रूरत है कि दूर दूर तक दूर दूर तक आपको सुविधाएं प्रोवाइड करनी है अगर आपको लंगर सिस्टम को बना के रखना है या फिर अगर आपको और धर्मशाला या गुरुद्वारा कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए ऑफरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी वजह से जो मंजी सिस्टम था उसमें जो भी लोग मंजिल में बैठते थे उनका दो काम था एक तो प्रीच करना संगत को और दूसरा ऑफरिंग्स को कलेक्ट करना ठीक है अब हम थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं मंजी सिस्टम की क्या थी तो जैसा मैंने आपको बताया मंजी का मतलब होता है वुडन कोट जिसके अकॉर्डिंगली प्रीचर सैड टू सिंग हिम्स टू बी फॉलोड इन कोरस तो ऐसा मंजी का का जो लिटरल मीनिंग है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि वुडन कोर्ट पे एक प्रीचर बैठेगा और हिम्स बोलेगा और उसके बाद उसको कोरस में गाया जाएगा बट अगर हम सिखिज्म की बात करें तो उसमें मंजी सिस्टम का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है उसका मीनिंग बदल जाता है सिखिज्म में इसका मतलब है डेलीगेटेड अथॉरिटी आई रिपीट डेलीगेटेड अथॉरिटी जिसका मतलब क्या है कि जितना भी सिख एरिया है मतलब जो भी फॉलोअर्स हैं जहाँ जहाँ तक सिखिज्म फैला है उनको डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है फर्दर ठीक है जिससे कि थोड़ा सा काम आसान कर दिया जाए और आ, आ, मतलब आदमी या औरत मैन और वुमेन दे वर बीन चोजन और उनमें से जो भी लगता है दैट पर्सन इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर तो आप देखेंगे कि आ, जो एरिया है उसको ट्वेंटी टू मंजीज में डिवाइड किया जाता है और उसकी सुपरविजन के लिए मेन एंड वुमेन ऑफ गुड कैरेक्टर विच इज चोजन बाय द गुरु तो ऐसे आदमी और औरत को चुना जाता है जो कि गुरु ने खुद चूज किया है और उनको बोला जाता है कि वो अपने घर में मंजी को स्टैब्लिश करें ठीक है उसमें वो जो मंजी है एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है उस सिस्टम की मतलब अगर एक इलाके में किसी के घर में वो आपको कोर्ट दिख रही है वुडन कोर्ट मंजी दिख रही है इट मीन्स वो रिप्रेजेंटेटिव है ठीक है सो इस वजह से घर में हो सकता है विलेज में हो सकता है और किसी इलाके में हो सकता है तो वो जो भी पर्सन चूज़ किया गया है उसको उसको जो है मंजी रखनी होती थी और देखिए अब ये जो कांग्रीगेशन होता था जब संगत होती थी तो जो भी लोग संग जो भी कॉन्ग्रीगेशन पूरी कॉन्ग्रीगेशन को संगत बोला जाता था और जो भी लोग मीटिंग को अटेंड करने आते थे और उसमें जो संगतिया किसको बोला जाता था जो प्रीचर है तो जो भी लोग आ रहे हैं ग्रुप में संगत को अटेंड करने उसको संगत बोला जा रहा है कांग्रीगेशन को अटेंड करने और जो प्रीच कर रहा है प्रीचर को संगतिया बोला जाता था और इसके बाद जो नॉन है, तो सिख हैं मतलब जो कि सिख धर्म को जिन्होंने नहीं अपनाया है पर वो फिर भी कॉन्ग्रीगेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको मेली कहा जाता था और इसके बाद जो लोग सिख धर्म को भी नहीं अपनाया उन्होंने और जो कभी कभार विजिट करते थे सिंपथाइज करते थे सिखिज़्म के साथ उनको सहलांग बोला जाता था और कुछ इंपॉर्टेंट मंजी होल्डर्स का नाम मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि आलिया यार खान एंड बीबी भाई बानी एटसेट्रा ठीक है खैर आगे हम जब पीरी सिस्टम करेंगे तो आपको काफ़ी सारी फीमेल जो है फीमेल्स दिख जाएंगी वुमेन दिख जाएंगी जो कि पीडी सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेटिव थी गुरु की ठीक है इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं तो इसमें होता क्या था तो ऑफरिंग्स फ्रॉम ईच मंजी वर यूज्ड फॉर लंगर एंड फॉर मीटिंग अदर एक्सपेंसेस तो जो भी ऑफरिंग्स आ रही थी मंजी के अंडर उनको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था आपको लंगर आपको पता है इट इज़ ए इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन और लंगर बहुत आपको पता है खाने खिलाने में बहुत पैसा लगता है तो उसके लिए ऑफरिंग्स जो भी आ रही है तो उसको वहाँ पर यूज़ किया जाता था और कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था बिकॉज डे बाई डे द दिक्कजम वॉज इंक्रीजिंग इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी तो उसमें एक्सपेंसिस की जरूरत है और जो भी खर्चा मतलब ये एक्सपेंसिस करने के बाद जो भी पैसा मिल जा बच जाता था उसको गुरु के गुल्लक में जो कि गोइंदवाल है उसमें डिपॉजिट करा दिया जाता था ठीक है अब मंजी होल्डर्स का एक और काम ये था कि जो भी नए लोग आ रहे हैं ठीक है और जो भी सिख फोल्ड के अंदर आना चाहते हैं ठीक है तो उनको अमृत चखाया जाए और जिससे कि वो सिखिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और गुरु रामदास जी के अंदर आप देखेंगे जो मंजी सिस्टम है इट केम टू बी कॉन्स्टेंटली यूज्ड फॉर कलेक्टिंग मनी ठीक है तो क्योंकि देखिए क्योंकि आगे एज आई मैंशन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और ज़्यादा ग्रो कर रहा था डेवलप कर रहा था तो जिसकी वजह से आप देखेंगे पैसे की जरूरत पड़ी तो इस वजह से मंजी सिस्टम के अकॉर्डिंगली इट वॉज कॉन्स्टेंटली गुरु रामदास जी वॉज़ कलेक्टिंग दी मनी और इसके साथ साथ आप देखेंगे आगे चलकर ये एक फुल फ्लैच सिस्टम बन जाता है जिसको हम कहते हैं मसंद सिस्टम तो मसंद सिस्टम को हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे जो मंजी होल्डर्स थे उनको उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि वो टाइम टू टाइम जो है गुरु को विज़िट करें और टाइम टू टाइम नहीं हो सके तो एटलीस्ट वंस अ वीयर तो विजिट करें और जब वो विजिट करें तो अपनी संगत के साथ आए बैसाखी वाले दिन तो उसमें आते एक तो पर्पज़ ये होता था कि सेलिब्रेट करना फेस्टिवल और दूसरा क्या होता था जो भी ऑफरिंग्स आई हैं उसको कलेक्ट करना इसके बाद इसमें आता है पीरी सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया इस सिस्टम के अंदर क्या होता था कि मंजी को आगे फर्दर पीरीज़ में डिवाइड किया गया था और इन पीरीज को हेड करती थी वुमेन सो so, यहां पे आप देखेंगे कि पीरी के थ्रू एक वुमेन को भी सिख फोल्ड के अंदर लाया गया और कहीं ना कहीं वुमेन को ये चांस दिया गया कि वो भी रिलीजियस अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो भी सिखिज्म की डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके तो आप देखेंगे बिकॉज ऑफ पीरी सिस्टम लॉर्ड ऑफ वुमेन केम अंडर द फोल्ड ऑफ सिखिज्म और उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भी किया इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट uh, नाम मैं बोल देती हूँ जैसे कि बीबी भानी थी बीबी दानी थी बीबी पल थी तो ये सब कौन थी ये पीरी सिस्टम के अंदर जो कि हेड कर रही थी और गुरु अमरदास जी के अंडर आप देखेंगे ही गेव अथॉरिटी इन पावर टू फन हंड्रेड फोर्टी सिक्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री तो ये जो जिनको भी मंजी मन, मन के अंडर चूज किया गया लगभग इतने लोग थे जिसमें से आप देखेंगे नाइन्टी फोर जो थे देवर मेन एंड फिफ्टी टू वर वुमेन तो आप देखेंगे कि जो मंजिल सिस्टम है या सिखज्म है जैसे जैसे सिखिज़म ग्रो हो रहा है और जैसे उसमें आगे चलकर कर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया तो वहाँ से वुमेन को भी एक अपॉरचुनिटी मिलती है कि वो भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सके खैर गुरु नानक देव जी के समय से ही आप देखेंगे उन्होंने भी एक पर्सनल एग्जाम्पल रखा कि जिससे कि इक्वालिटी की बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी की भी बात हो रही है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो सिकिज़म में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके और यही कारण था कि सिखिज़म जो है और बढ़ता जा रहा था और ग्रो कर रहा था और प्रोग्रेस कर रहा था और इसमें आप देखेंगे और डेवलपमेंट भी आती जाती है तो जो हम अगले गुरु करेंगे दैट इज़ गुरु अमर गुरु रामदास जी जो कि फोर्थ सिख गुरु थे तो उसमें हम आगे और पढ़ेंगे कि रामदास जी के अंडर कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है सिखिज़्म में ठीक है so, सो आज के लिए यही था वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू नॉट गेट टू सब्सक्राइब द चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं कौन से और टॉपिक्स हैं जो मैं कवर कर सकती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई एल सी यू इन द वीडियो टिल देन टेक केयर स्टे सेफ